देखिए, जिसका नाम सुनते ही शीतलता का एहसास होता है उसको बोलते हैं चंदन। चंदन को अगर घिस के माथे पे लगाया जाए तो दिमाग को शांति देता है, अगर उसको घिस के चेहरे पे लगाया जाए तो पिंपल्स दूर होते हैं, और अगर चंदन का दवाई के रूप में हम इस्तेमाल करना चाहें तो बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिनमें चंदन का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें खास तौर पे अगर हाइपर एसिडिटी है और शरीर में बहुत ही अग्नि महसूस होती है, हाथों और पैरों और तलुओं में अगर सेक सा निकलता है, तो ऐसे व्यक्तियों को चंदना आसव 5-5 चम्मच सुबह शाम लेने से बहुत जल्दी राहत मिलती है। इसके अलावा आप चंदन का पाउडर बाज़ार में ले लें और उसको पानी में भिगो के रखें और उसके बाद उसको बॉयल करके उसका शरबत बना के छान के पिएं, तो भी आपको हाइपर एसिडिटी में और शरीर में उष्णता में आपको रिलीफ मिलता है और गर्मी को दूर भगाता है। गर्मी से होने वाली किसी भी तरीके की तकलीफ को दूर रखने में चंदन हमारी हेल्प करता है।